अब गांव में जो व्यापार किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में किया जा रहा है, उसकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, उस ग्रामीण विपणन केंद्र की क्या-क्या विशेषताएं होंगी? तो पहला हम देखेंगे कि ये जो आसपास की जितनी भी ग्रामीण बस्तियां होती हैं, उन बस्तियों के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या उन्हें सेवा देते हैं। दूसरी चीज, ये एक अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं, पूरी तरह से नगरीय नहीं होते, क्योंकि ये नगर से बाहर किसी ग्रामीण क्षेत्र में ये व्यापार किए जाते हैं। इसके बाद जहाँ पर जो अधिक मांग वाली वस्तुएं होती हैं या सेवाएं होती हैं, वहीं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि जैसे आप किसी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और आपको किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो आप किसी विकसित ग्रामीण इलाके में या ग्रामीण कस्बे में जाते हैं उस सेवा को प्राप्त करने के लिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि वो एक पूरी तरह से नगरीय केंद्र नहीं होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, इसलिए आपको बहुत आधुनिक चीजें या आधुनिक वस्तुएं जो हैं, या बहुत सुविधाओं वाली सेवाएं जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, कुछ हद तक वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे आपको सब्जियां लेनी हैं, या आपको जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो आप उस विपणन केंद्र में जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर हर छोटे से बड़े गांव में हम देखेंगे तो इस ग्रामीण विपणन केंद्र का एक और रूप होता है, जिसको हम बोलते हैं आवधिक बाजार या सामयिक बाजार। जैसे किसी सप्ताह या पक्ष में लगने वाला जो मार्केट होता है, बाजार होता है, उसको हम आवधिक बाजार कहते हैं। भाई, आप अपने गांव में सुनते ही होंगे कि रविवार को मार्केट लगेगा या मंगलवार को मार्केट लगेगा, तब हम वहां से सब्जियां ले आएंगे, मटके ले आएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, है ना? छोटी छोटी आवश्यकता की जो चीजें हैं वो आपको वहां पर मिल जाती हैं। अब ये आवधिक बाजार जो है वो कई बार हफ्ते में एक दिन या 2 दिन लगेगा, या कहीं पर हफ्ते में एक ही दिन लगता है, या 15 दिन में एक बार लगता है। तो जिससे कि वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र के निवासी होते हैं, लोग होते हैं, वो उस आवधिक बाजार से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा होता है आपका नगरी विपणन केंद्र। नगरी विपणन केंद्र में हम देखेंगे कि यहाँ पर साधारण वस्तुएं व सेवाएं तो मिलती हैं, इसके साथ ही साथ जो विशेष रूप से वस्तुएं या सेवाओं का भी यहाँ पर व्यापार किया जाता है, या वो वस्तुएं आपको उपलब्ध मिलती हैं, इसे हम एक विशिष्टीकृत बाजार भी कह सकते हैं। नगरों में, किसी भी नगरीय क्षेत्र में, तो आपको हर रोज मार्केट मिलेगा, और अगर आप उस मार्केट में चले जाएं तो आप देखेंगे कि आपको वहां पर एक डॉक्टर भी मिलेगा, कोचिंग सेंटर्स भी मिलेंगे, है ना? बड़े बड़े कपड़ों के शोरूम भी मिल जाएंगे, सब्जी मार्केट तो होगा ही, किराना की अलग अलग शॉप हो जाएगी। जैसे कि आप नगरी व्यापारिक केंद्र में, हम एक मॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप एक मॉल में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर कपड़े का शॉप, जूते चप्पल के जो शॉप हैं वो भी मिल जाएंगे, आपको ज्वेलरी की भी शॉप मिल जाएगी, आप वहाँ पर खाने पीने का भी सामान आपको अवेलेबल रहेगा, एक रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा। तो सारी ही चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह मिल जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो हम ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषता देखते हैं कि उसमें बहुत सामान्य सी वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध होती हैं, यहाँ पर हमको एकदम स्पेशलाइज्ड या विशेषीकृत जो सामान या सेवाएं हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे हर एक ब्रांड के और अच्छी क्वालिटी का, उत्तम किस्म का जो वस्तु है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मिलेगा वहाँ पर भी। जैसे एक हम पेट्रोलियम जेली की ही बात कर लें, लेकिन जो आप वैसलीन यूज करते हैं एक अच्छे ब्रांड का, वो वहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट ब्रांड जो है वो मिलेगा। जैसे आप चाय पत्ती यूज कर रहे हैं, आप टाटा की, रेड लेबल की ये चाय पत्तियाँ यूज कर रहे हैं, चाय पत्ती वहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन वो एक लोकल ब्रांड की मिलेगी। तो ये अंतर होता है ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र का। अब तृतीय क्रियाकलाप का दूसरा प्रकार, परिवहन की हम बात करते हैं। परिवहन पे आने से पहले हमने भी जो व्यापार
की बात की थी, व्यापार एवं वाणिज्य की। तो उसमें हम देखें कि व्यापार और वाणिज्य जो है वो किसी भी एक अर्थव्यवस्था का आर्थिक बैरोमीटर का काम करता है। मतलब जिस भी देश का, राष्ट्र का जो हम कहें कि व्यापार जितना अधिक होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जितना अधिक उसमें हम कहें कि डेवलप्ड होता है, वो राष्ट्र उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। अब इसके बहुत सारे फायदे भी हैं कि एक तो इसमें श्रम विभाजन को लाभ मिलता है, दूसरी चीज़ हम कहें कि किसी एक स्थान या देश में जो चीज़ उत्पादित नहीं हो रही है, वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रही है, उसका भी लाभ उसको मिल जाता है। यदि आपके यहाँ वो एक्सेस में प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, तो इसका एक और फायदा ये होता है कि हम उसे बाहर निर्यात करके विदेशी मुद्रा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने अभी जो कहा कि एक बैरोमीटर का काम करता है, आर्थिक बैरोमीटर का काम करता है व्यापार जो है। अब हम बात करते हैं परिवहन पर। परिवहन, सबसे पहले तो परिवहन क्या है? वस्तुओं और जो व्यक्ति, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का जो कार्य है वो परिवहन कहलाता है। तो हमने देखा था कि विनिर्माण उद्योग से मार्केट तक उसे लाने के लिए, या व्यक्तियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, यात्रा के लिए जो सोर्स या जो साधन प्रयोग किए जाते हैं, उन साधनों के द्वारा आना और जाना, लाना या ले जाना जो है वो परिवहन कहलाता है। अब हम देखें कि एक किसी भी देश या राष्ट्र की जब हम विकसित परिवहन व्यवस्था की बात करते हैं, तो कोई क्षेत्र या जो देश है, जितना अधिक वहाँ पर परिवहन व्यवस्था हमें विकसित अवस्था में मिलेगी, वो विभिन्न जो स्थान हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि एक सूचक या इंडिकेटर के रूप में है कि जो स्थान जितना अधिक अलग अलग स्थानों से जो उसका जुड़ाव होगा, उसकी परिवहन व्यवस्था, उसका परिवहन जाल जो है वो उतना ही अधिक विकसित होगा। और किसी भी क्षेत्र के हम कहें कि अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है कि वहाँ पर परिवहन जो है, परिवहन व्यवस्था उतनी ही अधिक विकसित हो। जब तक परिवहन व्यवस्था विकसित नहीं होगी, चाहे आपके क्षेत्र में जितना भी अधिक उत्पादन हो, आप जितने भी डेवलप्ड हो, आप अपने यहाँ के प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसे आप दूसरे स्थान तक उचित समय में और सही सलामत जो है हम कहें कि सेफली, यदि आप उस जोन तक उसे नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो फिर अर्थव्यवस्था के विकास का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए परिवहन व्यवस्था का, किसी भी क्षेत्र के परिवहन जाल का उतना ही अधिक विकसित होना बहुत एक अनिवार्य तत्व हम कह सकते हैं। अब इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। परिवहन जाल की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें देखते हैं। पहला नोड है और दूसरा योजक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दो स्थानों को, जहाँ पर से दो स्थानों से कोई परिवहन, जहाँ पर भी जिस केंद्र में, जिस क्षेत्र में दो रास्ते आकर मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं नोड। नोड मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी एक सड़क आ रही है इस सेंटर की ओर, और यहाँ से भी। या एक एग्जांपल ले लेते हैं, रायपुर जो है वो आपका दुर्ग से भी जुड़ा है, मतलब रायपुर से जो है परिवहन व्यवस्था आपकी चल रही है, चाहे हम सड़क परिवहन की बात करें या हम रेल परिवहन की बात करें, एक दुर्ग की तरफ भी जा रही है और दूसरी बिलासपुर की तरफ भी जा रही है। तो रायपुर जो है वो क्या हो गया? एक नोड हो गया, क्योंकि यहाँ पर से दो रास्ते आकर जो है वो जुड़ जाते हैं। अब ये जो रायपुर और बिलासपुर का जो मार्ग है, ये दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? योजक। मतलब दो नोडों को जोड़ने वाली जो रेखा है या जो रास्ता है, उसे हम क्या कहते हैं? योजक। अब और क्या क्या फायदे हो सकते हैं कि कहीं पर किसी भी क्षेत्र का जो परिवहन साधन है या वहाँ की पूरी समुचित जो परिवहन व्यवस्था है, यदि वो बहुत विकसित अवस्था में है, तीव्रगामी है और सस्ता भी है, तो क्या फायदे हो सकते हैं? तो हम देखते हैं कि एक तो वस्तुओं का स्थानांतरण जो है वो बहुत ही
शीघ्रता के साथ हो जाता है। दूसरी चीज परिवहन के साधन के द्वारा या परिवहन के द्वारा ही हम देखेंगे कि मांग और पूर्ति में एक संतुलन या बैलेंस जो है वो बन जाता है। जैसे हो सकता है कि किसी स्थान पर वो उत्पादन हो रहा है और उस उत्पादित वस्तु की जो डिमांड है, मांग है, वो वहाँ पर की जनसंख्या से एक्सेस में हो रहा है वो उत्पादन, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर अन्य क्षेत्र में उस वस्तु की और डिमांड है लेकिन वहाँ पर उसका उत्पादन नहीं हो पाता है, तो हम वहाँ पर सप्लाई करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं दूसरे क्षेत्र में उस वस्तु की। तो परिवहन के द्वारा ही मांग और पूर्ति में एक बैलेंस जो है वो बन पाता है। अब तीसरी चीज़ देखते हैं हम कि अभी हमने बात की ना भाई कि किसी भी देश या विदेश के व्यापार की उन्नति में, जब भी हम व्यापार की बात कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र का व्यापार उतना ही डेवलप होगा जितना विकसित या जितना डेवलप्ड वहाँ परिवहन के साधन होंगे। और भी हम देखते हैं कि परिवहन के साधन के ही द्वारा श्रम विभाजन जो है वो संभव हो पाता है। कहीं पर सस्ते और कुशल श्रमिक मिल रहे हैं लेकिन दूसरे स्थान पर हम बोल रहे हैं कि उतने स्किल्ड लेबर नहीं है और साथ ही साथ बहुत महंगे हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम मिलती है, जनसंख्या की जो बसाहट है वो बहुत कम है और इसके कारण श्रमिक जो है वो भी महंगे हैं। तो इसके कारण श्रम विभाजन जो है वो संभव हो पाता है। हम क्या करेंगे, फिर दूसरे स्थान पर जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है और स्किल्ड लेबर हैं और साथ ही साथ सस्ते लेबर हमको उपलब्ध हो पाते हैं, तो वहाँ से हम उस स्थान की तरफ श्रम को इंपोर्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आयात कर सकते हैं, वहाँ से श्रम को हम उस स्थान पर ला सकते हैं और अपना जो कार्य है, या चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के संबंध में हो, उद्योगों के संबंध में हो, या किसी भी वस्तु के उत्पादन या किसी भी चीज़ की हम बात करें, तो उसको हम इसमें संभव बना सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि परिवहन के द्वारा ही जो बाजार का क्षेत्र है वो विकसित हो पाता है। इमेजिन कीजिए यदि परिवहन के साधन नहीं होते, है ना, जैसे हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो तब तो व्यक्ति जो था वो परिवहन के साधन विकसित नहीं थे, इसीलिए वो अपने क्षेत्र तक ही सिमटे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाए। अब उसके बाद फिर भाप के इंजन का आविष्कार, ये हम कहें कि रेलगाड़ी का आविष्कार, और अब तो वर्तमान में हम देखें कि पूरी दुनिया को हमने कुछ ही घंटों के परिवहन के समय में सिमटा दिया है। तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, हम ये दुनिया के विश्व के किसी भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए हमने अपने परिवहन के साधन को इतना अधिक विकसित कर लिया है कि वो हमारी पहुंच के अंदर हो गया है। और पहले समय में हम बात करते हैं जब परिवहन के साधन विकसित नहीं थे तो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में ही बहुत समय लग जाता था। तो फिर बाजार का क्षेत्र विकसित नहीं था, मतलब हमको कोई चीज़ चाहिए, कहीं पर उस चीज़ की डिमांड है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या कहीं पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और उसको उस क्षेत्र से और दूसरे क्षेत्र के मार्केट तक भी पहुंचाना है, तो वो चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती थी। अब परिवहन के द्वारा ही हम देखेंगे कि वर्तमान में बाजार का क्षेत्र बहुत विकसित हो गया है। इन सब के अलावा हम देखेंगे कि मूल्यों में जो है वो समानता परिवहन के द्वारा ही संभव है। कहीं पर बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं है, उत्पादन नहीं है उस वस्तु का, लेकिन दूसरे स्थान पर हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर वो कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, या किसी भी चीज़ की या वस्तु की हम बात करें वो वहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि वहाँ पर उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पर कम उत्पादन हो रहा है लेकिन उसकी तुलना में उसकी मांग बहुत ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि उसमें इस बात से वहाँ पर उस क्षेत्र में उस वस्तु के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। लेकिन अब क्या किया जाता है, परिवहन के साधन बहुत विकसित हो गए हैं तो हम दूसरे क्षेत्र से जहाँ पर उसका एक्सेस में प्रोडक्शन होता है वहाँ से हम उस वस्तु को इम्पोर्ट कर सकते हैं, आयात कर लेते हैं, और आयात हो जाने से फिर जितनी डिमांड है उसकी हम पूर्ति कर पाते हैं, जिससे मूल्यों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो पाता। तो मूल्यों में समानता भी सिर्फ परिवहन के द्वारा ही संभव हो पाया है।
फिर हम देखें औद्योगिकरण को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। आप एग्जाम्पल देखेंगे कि जापान में रॉ मटेरियल बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, मतलब बहुत कम उपलब्ध हैं, वहाँ संसाधनों की कमी है, लेकिन फिर भी औद्योगिकरण उद्योग जो है वो बहुत विकसित अवस्था में है। और वो किस कारण से संभव हो पाया? उद्योगों के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो अन्य देशों से परिवहन के साधन के द्वारा वो आयात कर सकता है। और हमारे पास जब हम परिवहन के साधन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि परिवहन का जो साधन है उसके भी कई वर्गीकरण हैं। परिवहन जो है वो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और जल परिवहन है। जल परिवहन में भी हम देखेंगे एक आंतरिक जल परिवहन होता है और दूसरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। तो ये परिवहन के साधन ने जो है, चूंकि जैसे हम जल परिवहन के माध्यम से किसी सामान का दूसरे क्षेत्र से आयात कर रहे हैं तो वो बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत जल्दी ही हम तक पहुंच पाता है। तो औद्योगिकरण को भी प्रोत्साहन मिलता है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि परिवहन के द्वारा ही सभ्यता और ज्ञान में जो है वो बहुत वृद्धि देखने को मिलती है, या हम कहें कि सभ्यता का एक स्थान से दूसरे स्थान या जो नॉलेज है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में प्रोत्साहन मिलता है। वो कैसे? अभी हमने बात की ना कि श्रम विभाजन, क्योंकि हो सकता है कहीं पर सस्ता श्रम नहीं है, श्रम जो है वो महंगा है और साथ ही साथ उतना अच्छा स्किल्ड भी नहीं है, तो हम क्या करें, दूसरे देशों से हम उन स्किल्ड लेबर को अपने यहाँ काम पर बुला रहे हैं, तो ज्ञान में हमें हमारे जो है हमारे देश के ज्ञान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, या फिर नौकरी के लिए, नौकरी के पर्पस से भी वो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, हम हमारे देश का जो ज्ञान है या सभ्यता है वो दूसरे देश तक पहुंचता है, और दूसरे देश में चूंकि वो जाकर वहां पर निवास कर रहे हैं तो वहां का ज्ञान और सभ्यता जो है वो भी हमारे देश तक पहुंच पाता है, हम दूसरे देश के ज्ञान और सभ्यता से परिचित होते हैं। तो ये सारी ये सारे जो परिणाम कहें हम या फिर फायदे जो हैं वो होते हैं परिवहन के साधन के विकसित होने से, या जो परिवहन का साधन जितना अधिक विकसित होगा हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उस देश का आर्थिक विकास उसी पर निर्भर करता है, उतनी ही तीव्रता से उस देश का आर्थिक विकास होगा। अब हम बात करें कि जहाँ पर किसी भी क्षेत्र में जो विकसित परिवहन व्यवस्था होती है उसे विकसित परिवहन व्यवस्था से विभिन्न स्थान जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब किसी स्थान पर रेल परिवहन का जाल भी उतना ही फैला हुआ है, सड़क परिवहन का भी उतना ही जो है जाल फैला हुआ है, या हम वायु परिवहन की बात करें, जल परिवहन की बात करें, तो ये सारे जो विकसित परिवहन व्यवस्था के माध्यम से जब कोई भिन्न भिन्न स्थान आपस में जुड़ जाते हैं, भाई जल परिवहन के माध्यम से हम देखेंगे कि बांग्लादेश जुड़ा है, श्रीलंका जुड़ा है ना, अफ्रीका के अलग अलग देश हैं, पश्चिमी और पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो हमारे भारत से जुड़े हुए हैं, फिर वहाँ पर वायु परिवहन की भी सुविधा है और जल परिवहन के भी माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि एक स्थान या कोई एक देश जो है वो विकसित परिवहन के माध्यम से अलग अलग स्थानों से जब जुड़ जाता है तो हम उसे परिवहन जाल कहते हैं। अब इस परिवहन जाल में हमने भी बात की थी भाई कि भाई परिवहन जाल जो है वो सड़क परिवहन का भी हो सकता है, रेल परिवहन का भी, वायु और जल परिवहन, या इन सभी का एक साथ हमें जाल जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसमें एक छोटा प्रश्न बनता है जो आपको पता होना चाहिए, जब दो स्थान, आप यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि स्थान ए से कोई परिवहन जाल जो है, या कोई भी परिवहन, चाहे हम सड़क परिवहन की बात करें, रेल परिवहन की बात करें, और स्थान बी से, ए और बी से दोनों ही स्थानों से सी स्थान जो है वो परिवहन के द्वारा जुड़ा हुआ है, ऐसे ही उधर भी हम देखते हैं डी और ई जो स्थान है ये आकर कहाँ पर मिल जा रहे हैं, एफ
स्थान पर मिल जा रहे हैं। मतलब एफ जगह का जो जुड़ाव है वो डी से भी है और ई से भी है, और सी स्थान का जो जुड़ाव है वो आपके ए और बी दोनों जगह से ये परिवहन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सी और एफ की हम बात कर रहे हैं, जो दो या दो से अधिक स्थानों से भी किसी स्थान का जुड़ाव परिवहन के माध्यम से हो सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नोड। अब ये तो हो गया नोड, जहाँ पर दो या दो से अधिक स्थान जो हैं वो आकर मिल जाते हैं, ये नोड कहलाता है। अब दो नोड को मिलाने वाली जो परिवहन व्यवस्था है, कोई भी परिवहन का साधन हो सकता है वो, तो दो नोड को मिलाने वाला जो परिवहन जाल है, या हम कहें परिवहन व्यवस्था है, परिवहन के साधन है, उसको हम कहते हैं योजक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी और एफ का जो जुड़ाव है वो किसी परिवहन व्यवस्था के माध्यम से हुआ है। तो ये जो परिवहन का साधन दोनों स्थानों को जोड़ रहा है उसे हम कहते हैं योजक। अब इसी में तीसरी चीज हम देखते हैं कि परिवहन तो किया जा रहा है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी को तय तो कर रहे हैं, लेकिन इस दूरी का मापन कैसे किया जाएगा? तो इसी में हम देखते हैं परिवहन की दूरी का जो मापन है वो तीन माध्यम से किया जाता है। पहला है किलोमीटर दूरी, दूसरा है समय दूरी, और तीसरा है लागत दूरी। एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि आप रायपुर से बिलासपुर जा रहे हैं, रायपुर से बिलासपुर की दूरी जो है वो मान लो 110 किलोमीटर है, तो ये क्या हो गया? आप समय जो भी हो, लागत जितनी भी आ रही हो, लेकिन जो आप परिवहन कर रहे हैं या अपनी यात्रा के दौरान जो आप दूरी तय करते हैं, इसे हम परिवहन दूरी का किलोमीटर दूरी मापन कहते हैं। किलोमीटर दूरी मतलब रायपुर से रायपुर की जो दूरी है वो आपकी लगभग 110 किलोमीटर है, तो ये 110 किलोमीटर जो है वो क्या हो गया? किलोमीटर दूरी का मापन। अब दूसरा इसमें हम देखते हैं समय दूरी। भाई हमने देखा कि रायपुर से आप बिलासपुर की यात्रा तो कर रहे हैं, और वो यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं आप? 110 किलोमीटर की। अब इस 110 किलोमीटर की यात्रा को करने में आपको जो लगने वाला समय है, मान लो वो 2 से 2.5 घंटे के बीच का समय लगता है आपको, तो किसी भी दो स्थान के बीच यात्रा करने में लगने वाला जो समय है उसे हम समय दूरी कहते हैं। अब इस समय दूरी में मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं रायपुर से बिलासपुर, इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं, और आपको किराया जो है वो 60 रुपये लगता है। मतलब आप रायपुर से बिलासपुर जा रहे हैं तो आपको लागत कितनी आ रही है? 60 रुपीज़ की, 60 रुपये की, है ना? ये हर परिवहन साधन में अलग अलग हो सकता है। जब आप रेल मार्ग से यात्रा करेंगे तो वो लागत थोड़ी अलग आएगी, थोड़ा वो व्यय कम होगा आपको, लागत कम आएगी, लेकिन इसी को जब आप सड़क मार्ग के सहारे यात्रा करेंगे तो लागत थोड़ी अधिक आएगी। तो वो कुछ पैसों का अंतर हो सकता है, लेकिन जितना भी हम सीधे से कहें कि दो स्थानों पे यात्रा करने में जो लागत आती है उसको हम लागत दूरी कहते हैं। तो ये परिवहन दूरी को मापने के तीन माध्यम है। पहला किलोमीटर दूरी, जो जितना किलोमीटर जितने किलोमीटर की आप यात्रा कर रहे हैं। दूसरा, उतने किलोमीटर को आप कितने देर में, कितने समय में उस यात्रा को करते हैं, तो ये समय दूरी। और उस किलोमीटर या उतने समय की यात्रा करने में जितनी लागत आपको आती है उसे हम लागत दूरी कहते हैं। अब ये तीन जो परिवहन दूरी के मापन का हमने मापन देखा, अब इसमें जो परिवहन का साधन क्या चयन करते हैं आप कौन सी चूज करेंगे कि हम कौन से परिवहन को अपनाएं, तो ये डिपेंड करता है, इस चयन का जो आधार है वो है आपका, जब भी हम देखेंगे कि परिवहन के साधन के चयन का आधार, तो समय दूरी और दूसरा लागत दूरी। ये दोनों के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति जो है वो परिवहन के साधन का चयन करता है। जैसे कि भाई आपको बहुत जल्दी
यात्रा करनी है या किसी स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचना है, बहुत कम समय लगना है, तो आप क्या करेंगे, एयर रूट का सहारा लेंगे। फिर आप लागत जो है, मतलब जितना खर्च उसमें आ रहा है उस यात्रा में, वो आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा। लेकिन दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि भाई हमको बहुत कोई हड़बड़ी नहीं है वहाँ पर पहुँचने की, बस हमको इतने समय में वहाँ पहुँच जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें हम फिर लागत को देखेंगे। लागत भले ही अधिक आए, हम भले ही ट्रेन रूट के माध्यम से जा रहे हैं, हमको थोड़ा सा 4 घंटे 5 घंटे अधिक समय लगेगा, लेकिन वहाँ पर चूँकि समय जो है उसकी वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है वो कौन सी रखेगी, लागत दूरी। तो परिवहन का साधन कौन सा चयन किया जाएगा, उसके लिए दो ही जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, पहला समय और दूसरा है लागत।